तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जितने भी एंड्रॉइड चाइनीज कंपनियां होती हैं, फिर चाहे वो शाओमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, कोई भी स्मार्टफोन क्यों ना हो, ये कंपनी हमेशा जब इंडिया में अपने फोन को लॉन्च करती हैं तो अपने कस्टमर का ध्यान हमेशा मेगापिक्सल से ही अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों इस टाइम जो भी आपका ब्रदर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी एक नया फोन बाई करता है वो हमेशा मेगापिक्सल की ही बात करता है। वो यही देखता है कि फोन कितने मेगापिक्सल का आता है, ये सोच करके, ताकि उसके कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी होगी, उसमें काफी अच्छी फोटो और वीडियो शूट होंगे, जबकि दोस्तों रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। दोस्तों एक टाइम था जब हम 3G फोन को यूज करते थे, उनमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, फिर इसके बाद 20 मेगापिक्सल का कैमरा आने लगा, फिर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, अब तो दोस्तों हद ही हो गई है। आपके जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आते हैं उनमें तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी आने लगा है, और इन फ्यूचर 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी बन रहा है। मतलब एक चीज दोस्तों आपने नोटिस की होगी, जितने भी एंड्रॉइड फोन होते हैं ये अपने फोन को बीते जनरेशन में काफी ज्यादा इनके पिक्सल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये हर साल अपने फोन के पिक्सल को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे जो भी कंपनी अपने मोबाइल के पिक्सल को बढ़ाती है उस मोबाइल की सेल काफी ज्यादा बढ़ने लगती है एज कम्पेयर टू पहले के स्मार्टफोन के। लेकिन दोस्तों कभी आपने आईफोन के पिक्सल को बढ़ाते सुना है? पिछले 3-4 साल से जितने भी आईफोन आते हैं सभी 12 या 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ही आ रहे हैं। आखिर आईफोन अपने कैमरे के मेगापिक्सल को क्यों नहीं बढ़ाता? आपको जितने भी एक्सपेंसिव कैमरे मिल जाएंगे, चाहे वो आईफोन का 1.5 लाख का कैमरा हो, फिर चाहे वो DSLR का कैमरे हो, इन सभी में आज भी 12 या 16 मेगापिक्सल के कैमरे ही आते हैं। लेकिन फिर भी आईफोन और DSLR की पिक के सामने एंड्रॉइड फोन की इमेज बिल्कुल भी घटिया लगती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पिक्सल और मेगापिक्सल में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आपने साइंस में पढ़ा होगा अणु और परमाणु, हर एक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इसी प्रकार मोबाइल का 1 मेगापिक्सल 10 लाख पिक्सल से बना होता है। मतलब आपके मोबाइल में जो 1 मेगापिक्सल होगा वो 10 लाख पिक्सल से बना होगा, और इस तरह से यदि आपके फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तो यानी आपके फोन का कैमरा 6 करोड़ 40 लाख पिक्सल से बना हुआ, जो कि पूरा इक्वल 64 मेगापिक्सल होता है। और इतने ज्यादा पिक्सल होने के बाद भी आपके मोबाइल की उतनी ज्यादा अच्छी फोटो नहीं होती जितनी अच्छी आईफोन की होती है। लेकिन ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कि आपके मोबाइल में जितने ज्यादा मेगापिक्सल होंगे उतना ज्यादा आपके मोबाइल की पिक उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, और उतनी अच्छी आपके मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी होगी। लेकिन यहाँ पर जब बात एंड्रॉइड फोन की या चाइनीज फोन की होती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घपला हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आपको 2 टोकरी मिल जाए जिनमें दोनों में 12-12 ईंट रखी हुई है, और दोनों का वेट और टोकरी का साइज दोनों इक्वल है। अब मान लीजिए आप एक टोकरी के जितने भी 12 ईंट है उनको आप 48 ईंट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक ईंट को 4 बार तोड़ देंगे, और इस तरह से 12 ईंट को 4 बार तोड़ने पर 12 चौक 48 यानी 48 ईंट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों टोकरी के वेट तो आपको इक्वल ही मिलेंगे, और आपके टोकरी की क्षमता है 12 ईंट को रखने की, तो उसमें भी दोस्तों उतने ही ईंट रखे हुए हैं, क्योंकि एक टोकरी के ईंट को केवल तोड़ा गया है, बाकी उसका वेट उसी तरह पहले की तरह ही है। यही सेम कंडीशन आईफोन और एंड्रॉइड में होती है, जो कि एक टोकरी में 12 सही सही ईंटें रखे हुए वो आईफोन को आप समझ सकते हैं, और जिस टोकरी के ईंटों को हमने कई भागों में तोड़ दिए हैं उसको आप एंड्रॉइड फोन समझ सकते हैं। और इसी तरह एंड्रॉइड फोन की कंपनियां क्या करती हैं कि उनके फोन में ऑलरेडी एक स्पेसिफिक मेगापिक्सल में कैमरा आते हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं रहता कि पहले से उसमें 12 मेगापिक्सल आए हैं कि 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का कैमरा आया है, लेकिन अप्रोक्स रेंज 12 से 20 मेगापिक्सल के बीच में होती है। अब ये चाइनीज कंपनियां क्या करती हैं कि इसी 20 मेगापिक्सल को कई भागों में तोड़ देती हैं, जिससे उस कैमरे का पिक्सल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन सेंसर और पूरी ओवरऑल अपर्चर वही रहता है। जबकि आईफोन के लिए किसी कंपनी ने यदि 12 मेगापिक्सल का कैमरा बनाया तो एप्पल कंपनी क्या करती है कि उसके पिक्सल को कई भागों में बांटती नहीं है। इसी कारण से दोस्तों जब आप किसी एंड्रॉइड फोन, मान लीजिए आप 108 मेगापिक्सल के कैमरे से किसी पिक को खींचते हैं और दूसरी पिक आप आईफोन से खींचते हैं, और जब आप इन दोनों पिक को जूम करते हैं तो आपको डिफरेंस खुद दिख रहा होगा कि आपको खुद डिफरेंस दोनों पिक में दिख रहा होगा। आपको एंड्रॉइड फोन में छोटे छोटे चौकोर चौकोर जैसा कुछ दिख रहा होगा, जबकि आईफोन में ऐसा कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। तो जो भी चीज जब आप एंड्रॉइड फोन से पिक को क्लिक करते हैं वो आपको जूम करने में दिखती है वो कैमरे के छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि जब आप किसी फोटो को लेते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी फोटो फट गई है, जबकि आईफोन में जब आप जूमिंग करते हैं तो वहां पर आपकी फोटो नहीं फटती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईफोन के लिए जो कंपनी कैमरे को बनाती है उस आईफोन के कैमरे को एप्पल कंपनी उसके पिक्सल को कई भागों में नहीं बांटती है, जिससे जब आप एप्पल फोन से किसी फोटो को क्लिक करते हैं उसको जूम करते हैं तो वो फोटो नहीं फटती है। जबकि एंड्रॉइड फोन फिर चाहे वो 200 मेगापिक्सल का हो चाहे 108 मेगापिक्सल का हो, उसमें आप जब फोटो को क्लिक करते हैं तो उस फोटो को जूम करने में वो फटने लगती है और उसमें छोटे छोटे पिक्सल दिखने लगते हैं, और ये सभी पिक्सल को कई भागों में बांटने के कारण ही होता है। इसलिए आप चाहे कितना ही महंगा एंड्रॉइड फोन को बाय कर लें वो कभी भी आईफोन को टक्कर नहीं दे सकता। एक आईफोन में जितने भी पिक्सल होते हैं उनकी लंबाई 1.4 माइक्रो मिलीमीटर की होती है, जबकि एंड्रॉइड फोन में जितने भी पिक्सल होते हैं उनकी लंबाई 0.8 माइक्रो मिलीमीटर की होती है, जिससे आपको एंड्रॉइड फोन और आईफोन के जो पिक्सल होते हैं उनके साइज से ही पता चल गया होगा कि किस फोन के पिक्सल सबसे बड़े होते हैं और किस फोन के पिक्सल सबसे छोटे आते हैं। और इसके साथ ही एंड्रॉइड फोन और आईफोन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसके सेंसर और एपर्चर का।
सेंसर बेसिकली कैमरे का जो आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है वही सेंसर कहा जाता है। जिस फोन का सेंसर जितना ज्यादा अच्छा होगा उस फोन की इमेज काफी ज्यादा अच्छी आएगी। आपने DSLR में देखा हो कि उसमें भले ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है लेकिन उसमें जो आपको सामने के सेंसर मिल जाएंगे जो कि आप कांच के लगे होते हो काफी ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर मोबाइल के। और इसी तरह आईफोन में जितने भी कैमरे आते हैं उनका साइज आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े उसमें कांच लगे होते हैं जिन्हें हम सेंसर कहते हैं, लेकिन एंड्रॉइड फोन में अभी भी छोटे छोटे सेंसर आते हैं। और थर्ड चीज जिससे आईफोन एंड्रॉइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वो है अपर्चर। अपर्चर बेसिकली दोस्तों कैमरे के जो छिद्र को कहते हैं और जो देखने में ऐसे कुछ दिखते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे नेत्र को तभी कोई वस्तु दिखाई देती है जब उसका प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है और उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। और यदि आप अपनी आंखों को जितना ज्यादा बंद करेंगे उतना ज्यादा आपको कम वस्तु दिखना शुरू हो जाएंगी। यही हाल एंड्रॉइड और आईफोन में होता है। और इसी प्रकार आपने एंड्रॉइड फोन में देखा होगा कि उसमें पिक्सल को तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और कैमरे में जब आप देखेंगे तो आपको उभरा हुआ कुछ कांच जैसा दिखता है, वो कैमरे का सेंसर होता है लेकिन उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसका जो छिद्र होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है जिससे इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती। जबकि आईफोन में जितने भी कैमरे होते हैं उनका सेंसर तो बड़ा होता है, इसके साथ साथ उसके अपर्चर भी काफी ज्यादा बड़ा होता है जिससे आईफोन में काफी ज्यादा अच्छी पिक आती है। और इसी प्रकार DSLR में भी होता है, उसमें भी आपने देखा हो कि उसके सामने का जो छिद्र होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है जिससे काफी अच्छी फोटो कैप्चर करता है। और यही कारण है जिससे एंड्रॉइड फोन आईफोन की टक्कर कभी भी नहीं कर सकता। आप चाहे कितना ही महंगा एंड्रॉइड फोन क्यों ना बाय कर ले, फिर वो चाहे 80,000-90,000 का फोन क्यों ना हो, उस एंड्रॉइड मोबाइल का कैमरा कभी भी आईफोन के कैमरे को टक्कर नहीं दे सकता। क्योंकि जितनी भी एंड्रॉइड फोन की कंपनियां होती हैं हमेशा अपना प्रॉफिट ही सोचती हैं। वो सोचती हैं कि कितनी सस्ती सस्ती चीजें इसमें लगा दी जाए और उस फोन से प्रॉफिट कमाया जाए। एंड्रॉइड फोन की कंपनी हमेशा यही चाहती हैं कि उनके फोन सब ज्यादा सेल हो, फिर वो चाहे अच्छे हो या ना हो। ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन में कुछ लुभाने वाली चीजों को लगा देती हैं जिससे बहुत सी ऑडियंस इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई एंड्रॉइड फोन लॉन्च होता है तो हमेशा उसके रिफ्रेश रेट को बताया जाता है कि इतने रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है जिससे आप गेमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और इतने मेगापिक्सल का कैमरा जो कि बहुत एक अच्छा कैमरा है, सोनी के इसमें सेंसर लगा हुआ है, बहुत एक अच्छी फोटो को क्लिक करता है और इसमें गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है जिससे बहुत ज्यादा मजबूत है और जल्दी ड्रॉप होने में टूटेगा नहीं। बहुत सी एंड्रॉइड कंपनी है जो लुभाने वाली चीजों को थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूव करती है जिससे उनके फोन सेल होते हैं। ये कंपनी अपने हर एक मोबाइल के मॉडल को चेंज करती रहती है और उनके डिजाइन को उसके लुक को भी अब चेंज करने लगी है। आपको बहुत सारे एंड्रॉइड फोन आ जाएंगे जिनमें बहुत ज्यादा कलर रहता है, बहुत ज्यादा वो चमकते हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट उसमें होता है और हर एक मॉडल की डिजाइन अलग रहेगी, बहुत ज्यादा वो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और आपके एंड्रॉइड फोन के कैमरे में OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सिस्टम भी है और यहां तक कि सैमसंग का जो 1.5 लाख का फोन आता है जिसको आप सैमसंग S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन कहते हैं उस मोबाइल के कैमरे में 200 जूमिंग तक आप कर सकते हैं जो कि एक आईफोन से इन सभी चीजों को नहीं किया जा सकता। तो ये सभी चीजों से एंड्रॉइड कंपनी हमेशा आपको लुभाती है, वो हमेशा अपने मोबाइल के कैमरे को बताएंगे कि इतने मेगापिक्सल कैमरा इस साल आया है, जबकि एप्पल फोन कभी भी अपने मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करता और शायद इसीलिए एंड्रॉइड फोन के लुक्स और डिजाइन को देख करके लोग सबसे ज्यादा एंड्रॉइड फोन को बाय करते हैं क्योंकि एंड्रॉइड फोन एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होता है। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यदि आप किसी एंड्रॉइड फोन को उसके मेगा पिक्सल को देखकर लेते हैं तो ये दोस्तों बिल्कुल सा एक रॉन्ग डिसीजन है। यदि कोई स्मार्टफोन जो कि 15,000 का मिल रहा है उसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और यदि कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसके कुछ मेगा पिक्सल को बढ़ा करके आपसे 3,000-4,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो ये दोस्तों कंपनी के कमाई का एक स्ट्रेटजी होती है, ना कि कैमरे की क्वालिटी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार ये चाइनीज कंपनी हम इंडियंस को मोबाइल के मेगा पिक्सल के नाम पर उल्लू बनाती हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई फोन बाय करें तो उस मोबाइल के मेगा पिक्सल को देख करके उस फोन को कभी बाय ना करें, आपको उस मोबाइल के अपर्चर और सेंसर को देख करके फोन बाय करना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।